आज के इस महफिल में, इस बज़म में हम बात करेंगे जर्रे में सहरा की। वासिफ अली वासी साहब फरमाते हैं, ये अजीम व कदीम जमील व जसीम कायनात इतनी पुरेसरार और पुरनवार है कि इसका अंदाज़ा लगाना दुश्वार है। इसमें क्या नहीं है? यहाँ वसतें हैं, गर्दिशें हैं, फ़ासले हैं, ज़माने हैं, बल्कि वसत दर वसत, गर्दिश दर गर्दिश, फ़ासला दर फ़ासला, ज़माना दर ज़माना, मदार दर मदार, महवर दर महवर, इस कायनात में अजीब खेल है। ज़माने ज़मानों की तलाश में हैं, गर्दिशें गर्दिशों के ताकुब में हैं। वक्त वक्त को खा रहा है, ज़िंदगी मौत के हिसार में, हर मौज ज़िंदगी की इज्जत में। कायनात बनाने वाले ने इसे बहुत ही खूबसूरत और अनोखा शाहकार बनाया। कहीं इतने गर्म सारे हैं कि हमारे यहाँ आग की पनाह मांगे, कहीं इतने तारीख और यख से आ रहे हैं कि सारे यहाँ की बर्फ़ वहाँ जमा हो जाए। कायनात तो खैर एक अजूबा ही है, लेकिन ये ज़मीन जिसमें आप रहते हैं मुकम्मल कायनात है, मुख्तसर और महदूद ज़मीन। ज़मीन का हुस्न हो के कायनात का हुस्न इसे जानने और देखने के लिए जिस मखलूक को मुकर्रर फरमाया गया वो एक अलग शाहकार है। इसलिए कोई जुज़ किसी दूसरे जुज़ से अलहदा नहीं हो सकता। गरीब का दिल इतना ही मुकद्दस है जितना मगरूर अमीर का, जिसकी खिदमत में ज़र्रे ने अपना दिल चीर कर रख दिया। उसके सामने सहरा और गर्द सहरा एक ही शय है, बात ताल्लुक़ की है, नस्बत की है, इदराक की है, इनायत की है, अता की है। वरना कहाँ एक छोटा सा दिल और कहाँ वो सत कौन मकाँ, कहाँ इंसान और कहाँ कायनात। बस सलाम है इस कायनात के हुसन और इसकी वसतों को, और सलाम है उसको जानने वाले और उसको चाहने वाले इंसान के लिए, और सलाम है उस हस्ती को जिसने इंसान को पैदा किया और इसे अशरफुल मखलूकात बनाया। उम्मीद करता हूँ आज के इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।